वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो नरेंद्र मोदी का पैर छूते दिख रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी बिहार की एक रैली से इस तरह का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मंच पर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का पैर छुआ था। उस वक्त भी नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने मजाक उड़ाया था, कईयों ने तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल उठा दिया था। लेकिन 7 जून को एनडीए की राष्ट्रीय बैठक जहां पूरे देश से एनडीए से जुड़े सीएम और सांसद मौजूद थे, वहां भी नीतीश कुमार ने मोदी के पैर छूने की कोशिश की। हालांकि मोदी ने हाथ पकड़ लिया, लेकिन अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि क्या ये वही नीतीश हैं जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते थे। नीतीश जिनकी उम्र 73 साल हो चुकी है, वो आखिर नरेंद्र मोदी का पैर क्यों छू रहे हैं जबकि दोनों हम उम्र भी हैं। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। हंसराज मीना नाम के एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि नीतीश कुमार की कौन सी फाइल और सीडी है जिसके कारण उन्हें मोदी जी के पैर छूने पड़ रहे हैं, यह दृश्य देखकर उन पर दया आती। पुनित सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा कि अब भी पैर छू रहे हैं नीतीश कुमार जबकि दोनों की उम्र 73 साल ही है। नीतीश बाबू, ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी। इस तरह के कई कमेंट आ रहे हैं नीतीश कुमार के इस वायरल वीडियो पर। तो चलिए दोनों के उम्र असलियत में क्या है जान लेते हैं। पीएम इंडिया की वेबसाइट पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 हुआ था। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 लिखा हुआ है। दोनों की उम्र की तुलना की जाए तो नीतीश कुमार पीएम मोदी से लगभग 7 महीने छोटे हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2001 में गुजरात के सीएम बने थे, वहीं नीतीश कुमार 2005 में बिहार के सीएम बने थे। बाकी मोदी प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, ये सबको पता है। लेकिन इन सबके बावजूद नीतीश का पैर छूना लोगों को इसलिए आश्चर्यचकित किया क्योंकि ऐसा पहले नहीं देखा गया है। राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार का पीएम मोदी से कई बार 36 का आंकड़ा दिखा है। 2013 में जब बीजेपी ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो नाराज नीतीश ने एनडीए का साथ छोड़ दिया, वो अलग चुनाव भी लड़े। बड़ी बात यह है कि 1996 में बीजेपी के साथ आए नीतीश पहली बार 2013 में गठबंधन से अलग हुए, वो भी नरेंद्र मोदी की ही वजह से। इससे पहले भी गुजरात दंगों की वजह से नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को बिहार में प्रचार करने के लिए नहीं आने दिया था। ये बात अलग है कि बीजेपी से वो ज्यादा दिन अलग नहीं रह पाए, आरजेडी के साथ जाकर भी साल दो साल में वापस बीजेपी के साथ ही आए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब वो तेजस्वी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आए तो उन्होंने कई बार लगातार यह बात कहा कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान वो मोदी की काफी तारीफ करते हुए दिखे। इसके अलावा एक रैली में नीतीश ने मोदी का पैर भी छुआ। फिर चुनाव परिणाम के बाद जब यह चर्चा चला कि नीतीश इंडिया गठबंधन में वापस जा सकते हैं, उस वक्त भी नीतीश ने यही कहा कि कितना भी कोई इधर उधर कर ले, तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन अब मैं इधर ही रहूंगा। 7 जून को एनडीए की मीटिंग में दोबारा नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का पैर छूने की कोशिश की। इस पर विपक्षी बोल रहे हैं कि या तो नीतीश की मानसिक तबीयत ठीक नहीं है या उन पर कोई ऐसा दबाव है जिसकी वजह से यह सब करना पड़ रहा है। वहीं नीतीश और मोदी के समर्थकों का यह मानना है कि पीएम मोदी पद और उम्र दोनों में बड़े हैं, ऐसे में यदि नीतीश कुमार पैर छूते भी हैं तो यह उनकी व्यक्तिगत च्वाइस है, इसे अपमान के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार झारखंड से जुड़ी अन्य खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। मेरा नाम है अंकित, नमस्कार। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।